प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की कहानी सभी जानते हैं। राम ने रावण का वध किया, सीता को पुनः प्राप्त किया और धर्म की स्थापना की। परंतु रामायण के कुछ ऐसे अंश भी हैं जो सामान्यतः सुनाई नहीं देते। एक ऐसा अंश जो राम की गहराई को और अधिक उजागर करता है, यह घटना उस समय की है जब राम वनवास के दौरान अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रह रहे थे। जैसी वीडियो आपने अभी स्टार्टिंग में देखी, ऐसी वीडियो पर 10 साल बाद भी व्यूज आते रहेंगे, क्योंकि यह वीडियो कभी भी पुरानी नहीं लगेगी, क्योंकि यह वीडियो ऐसे टॉपिक पर बनाई गई है जो टॉपिक कभी भी पुराना नहीं होगा। ऐसी वीडियो को एपिक वीडियो या मिथोलॉजी वीडियो कहते हैं या धार्मिक वीडियो भी कहते हैं। इन वीडियो पर खूब व्यूज जाते हैं क्योंकि यह वीडियो ज्ञानवर्धक होती है और दर्शकों को अच्छा एंटरटेन करती है और दर्शकों को बांध कर रखती है। अगर आप भी बिना किसी खर्च के प्रीमियम मिथोलॉजी वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सही टॉपिक चुनना। जब आप मिथोलॉजी की वीडियो बनाते हैं तो टॉपिक ही आपका बेस होता है। आप श्री राम, महाभारत, रामायण या किसी भी देवता, असुर या पौराणिक पात्र पर या पौराणिक स्थान के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तो अपनी वीडियो के टॉपिक के लिए हम ब्राउजर पर जाकर सर्च करेंगे मोस्ट पॉपुलर हिंदू मिथोलॉजी एपिक, तो हमारे सामने यहाँ बहुत सारे पॉपुलर हिंदू मिथोलॉजी एपिक आ चुके हैं। इनमें से आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना चाहते हैं, आप उस टॉपिक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने अभी रामायण का चुनाव किया, अब रामायण में श्री राम, हनुमान जी, रावण, लक्ष्मण, विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे कैरेक्टर मिल जाएंगे। अब आप अपनी वीडियो में इन कैरेक्टर्स या फिर स्थान के बारे में हिडन फैक्ट्स बता सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि क्या हनुमान जी रावण को हरा सकते थे, या फिर जैसे कि लक्ष्मण और मेघनाथ में कौन ज्यादा शक्तिशाली था, या फिर जैसे कि आप राम सेतु के बारे में यह बात नहीं जानते होंगे, अब आप उनके बारे में हिडन फैक्ट्स बता सकते हैं। ऐसे ही किसी भी एपिक इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर की पावर को स्टोरी के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ रामायण को सिलेक्ट किया है, तो रामायण से ही हमें हमारे चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए सैकड़ों टॉपिक मिल जाएंगे। इसके लिए हम ब्राउजर में टाइप करेंगे लिस्ट ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर्स ऑफ रामायण और सर्च करेंगे। अब हमारे सामने रामायण के पॉपुलर कैरेक्टर्स की लिस्ट आ चुकी है। इसी तरह आप यहां रामायण की पॉपुलर कहानियों और घटनाओं को भी सर्च कर सकते हैं। हर कैरेक्टर से रिलेटेड हम आराम से 20-25 टॉपिक्स बना सकते हैं, तो आराम से पूरे साल का कंटेंट हमें यहां से मिल जाएगा। अब वह पूरे साल का कंटेंट कैसे मिलेगा, इसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। जिस प्रोसेस को हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी दूसरे एपिक पर भी वीडियो बना सकते हैं। अब अपनी वीडियो के लिए कंटेंट रिसर्च करना है, तो इसके लिए हम वापस अपने ब्राउजर पर आएंगे और रामायण के किसी भी एक कैरेक्टर को हम यहां चूज कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं यहां मेघनाथ के कैरेक्टर को चूज करता हूं और यहां सर्च बार में हमें टाइप करके हिडन फैक्ट्स अबाउट मेघनाथ सर्च करना है। अब यहाँ पर हमें जिस वेबसाइट पर भी मेघनाथ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स दिखाई दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स को हम कॉपी कर लेते हैं और अपने नोटपैड में सेव कर लेते हैं। अब इसी इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स से ही हमें मेघनाथ के बारे में यहाँ बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके लिए हमें आना है चैट जीपीटी में और यहाँ एक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। यह प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस प्रॉम्प्ट के आगे हमें वह इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेस्ट करनी है जो अभी हमने मेघनाथ के बारे में गूगल से कॉपी की थी, और यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे। अब चैट जीपीटी ने हमें मेघनाथ के ऊपर बहुत सारे टॉपिक जनरेट करके दे दिए हैं। अब इन टॉपिक से हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ हम इन टॉपिक को अपनी YouTube वीडियो के टाइटल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इन टॉपिक को कॉपी करते हैं और अपने नोटपैड में सेव कर लेते हैं और वापस चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में अब हमें एक और प्रॉम्प्ट को एंटर करना है। यह प्रॉम्प्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें वापस अपने नोटपैड में आना है और मेघनाथ के जो टॉपिक या टाइटल है उनमें से पहले टॉपिक या टाइटल को कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में आकर अपने प्रॉम्प्ट के आगे पेस्ट करेंगे। सेंड पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी ने हमें हमारे इस टाइटल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दी है। अब हमारे इस प्रॉम्प्ट में हमने चैट जीपीटी को यह भी बोला था कि हमें वह वेबसाइट के बारे में भी बताएं जहां से उसने इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, ताकि हम क्रॉस चेक कर सके कि हमारी स्क्रिप्ट में जो जानकारी दी गई है वह सही है या नहीं। और यह चेक करना आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो सही देनी ही है और साथ ही साथ यह धर्म से जुड़ा टॉपिक है, तो सेंसिटिव टॉपिक भी है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि आप अपनी स्क्रिप्ट को क्रॉस चेक जरूर करें,
ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप अपनी व्यूअर्स को दें वह एक्यूरेट हो। अब यहाँ पर आप स्क्रिप्ट देखिए, चैट जीपीटी ने कितने अच्छी तरह से हमें स्क्रिप्ट यहाँ पर जनरेट करके दी है। स्क्रिप्ट में क्या बोलना है वह यहाँ पर इसने सजेस्ट किया है, वीडियो में क्या हमें दिखाना है वह भी हमें यहाँ पर सजेस्ट किया है। बस एक बार आप अपनी इस स्क्रिप्ट को अच्छे से रिवाइज कर ले कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है या फिर कहीं पर कोई ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है। अब इसकी में सब कुछ सही है। अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस अपने नोटपैड में आएंगे और अपने उस टाइटल के नीचे अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे जिस टाइटल से हमने अपनी इस स्क्रिप्ट को जनरेट किया है। अब इसी तरह आप अपने दूसरे टाइटल से स्क्रिप्ट जनरेट कर लेंगे। चैट जीपीटी में पहले इंटरेक्शन प्रॉम्प्ट को एंटर करना है, उसके बाद टाइटल को पेस्ट करना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। स्क्रिप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना है और स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपने दूसरे टाइटल के नीचे पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपको वन बाय वन सभी टाइटल से स्क्रिप्ट जनरेट कर लेनी है। अब आपके पास आपके चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए कई स्क्रिप्ट आ चुकी है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप जितनी चाहे उतनी स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में हमें हमारी स्टोरी के लिए वॉइस ओवर जनरेट करना है। तो वॉइस ओवर आप अपनी खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर ले। आप बहुत से लोगों के पास हो सकता है रिकॉर्डिंग के लिए माइक ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों की आवाज मिथोलॉजी वीडियो के हिसाब से सूटेबल ना हो, तो वह लोग पहले तो अपनी वॉइस ओवर को अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर ले, उसे कैपकट में इंपोर्ट करेंगे और अपने इस वॉइस ओवर की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हमें यहाँ कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी है। इसके लिए यहाँ एनहांस वॉइस को ऑन करना है और यहाँ से इसे 100% कर लेना है, रिड्यूस नॉइज को ऑन कर लेना है और वॉइस फिल्टर में आकर डीप को सेलेक्ट करना है और पिच को 8 से 10 के बीच में रखें, टिम्बर को 0 रखें। अब इस प्रोसेस को फॉलो करके आपकी वॉइस ओवर की क्वालिटी यहाँ बहुत बेहतर हो जाएगी। अब अपनी इस वॉइस ओवर को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब अगले स्टेप में हम अपनी वीडियो के लिए मीडिया कलेक्शन यानी इमेज, वीडियो, बैकग्राउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें अपनी स्क्रिप्ट को ओपन करना है और हमारी स्क्रिप्ट में जो जो सीन लिखे हुए हैं उन्हें कॉपी करेंगे और गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो हमारे स्क्रिप्ट के सीन से रिलेटेड यहाँ बहुत सारी इमेज आ गई हैं, जो इमेज हमें अच्छी क्वालिटी की लगती है, हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार सूटेबल लगती है, उस इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह दूसरे सीन को कॉपी करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे और अच्छी क्वालिटी की इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। बस गूगल से आप इमेज लेते वक्त एक बात का ध्यान रखें, जो भी आप इमेज ले रहे हैं उसमें किसी भी कंपनी या नाम का लोगो नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी इमेज में लोगो रहेगा तो उससे आपकी वीडियो पर कॉपीराइट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई इमेज आपको पसंद आ रही है और उसमें लोगो आ रहा है तो आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो में कंपनी का लोगो ना दिखाई दे। हमने जो गूगल से इमेज डाउनलोड किए हैं हम इन इमेज को भी वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत से AI टूल है जिनसे हम टेक्स्ट को वीडियो में या इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने भी आपको बहुत से AI टूल के बारे में बताया है जिसे आप एक किसी भी टेक्स्ट को वीडियो में या इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें कुछ वीडियो का लिंक आपको आई बटन और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। साउंड इफेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे Pixabay वेबसाइट का। Pixabay पर आकर यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार सूटेबल साउंड इफेक्ट को यहाँ सर्च करना है और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पर आपको सभी तरह के कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अब बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम YouTube लाइब्रेरी पर आएंगे और यहाँ से अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग सिनेमैटिक, ड्रामेटिक या फिर जो भी सूटेबल म्यूजिक आपको लगता है उसे सर्च करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। YouTube लाइब्रेरी से बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे सर्च करना है, डाउनलोड करना है, YouTube लाइब्रेरी के बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप आई बटन पर देख सकते हैं। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप एडिटिंग। एडिटिंग के लिए भी हम यहाँ कैपकट का इस्तेमाल करेंगे और अपने सभी मीडिया वॉइस ओवर, इमेज, वीडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड इफेक्ट्स आदि सभी को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। अब सबसे पहले अपने वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। अपने वॉइस ओवर को एक बार आप सुन ले। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में अनेक असाधारण। और अब वॉइस ओवर के अनुसार अपनी सभी इमेज और वीडियो को यहाँ टाइमलाइन पर एडजस्ट करना है। अपने वॉइस ओवर के अनुसार जो भी आपको इमेज या वीडियो को क्रॉप या एक्सटेंड करना है आप वॉइस ओवर के अनुसार कर लेंगे। जो वॉइस ओवर में बोला जा रहा है वही इमेज या वीडियो हम यहाँ पर दिखाएंगे। क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार हमारे पास सभी इमेज और वीडियो हैं, तो एडजस्ट करने में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग इमेज और वीडियो को एडजस्ट करने के बाद हम अपनी इमेज और वीडियो में इफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे।
तो हम अपनी वीडियो में बीच बीच में जूम इन और जूम आउट इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मिथोलॉजी वीडियो में जूम इन और जूम आउट इफेक्ट काफी अच्छा लगता है। जूम इन जूम आउट के अलावा आपको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी इफेक्ट अच्छा लगता है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ और इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब अपनी वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम अपनी वीडियो में ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्रांजिशन का इस्तेमाल भी आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम स्क्रिप्ट के अनुसार यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को भी अप्लाई कर लेते हैं। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अपनी वीडियो को अब हमें यहाँ एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यह रहा हमारी मिथोलॉजी वीडियो का फाइनल आउटपुट। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में अनेक असाधारण योद्धाओं की कहानियां हैं, परंतु उनमें से एक सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय योद्धा थे इंद्रजीत। आज हम जानेंगे कि कैसे रावण के इस वीर पुत्र ने स्वयं देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में हराया और उन्हें लंका की कैद में बंद कर दिया। इंद्रजीत, जिनका वास्तविक नाम मेघनाद था, लंका के राजा रावण के पुत्र थे। उन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वे देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करने में सफल रहे थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण उन्हें अमर योद्धा के रूप में मान्यता मिली। इंद्रजीत की सबसे प्रसिद्ध विजय तब हुई जब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं और राक्षसों के बीच यह भीषण युद्ध हुआ जहां इंद्रजीत ने इंद्र को हराया। वह क्षण अद्वितीय था जब इंद्रजीत ने इंद्र को अपने दिव्यास्त्रों से परास्त किया और उन्हें युद्ध भूमि में गिरा दिया। इंद्रजीत ने इंद्र को बंदी बना लिया और लंका ले गए। इंद्र को पराजित कर लंका लाने के बाद इंद्रजीत ने उन्हें बंदी बना लिया। यह घटना केवल एक योद्धा की विजय नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि लंका की शक्ति देवताओं के राजा इंद्र तक को झुका सकती थी। इंद्र के बंदी होने से देवता भयभीत हो गए और उनकी मुक्ति के लिए उपाय खोजने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मिथोलॉजी वीडियो बनाने का यह तरीका आपके लिए यूजफुल रहेगा। साथ ये उम्मीद भी करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।